बिहार विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। बीए बीएससी बीकॉम में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। जो स्टूडेंट्स इंटर फाइनल किए हैं 2022 में, जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है, इंटर फाइनल कर चुके हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन से पास हैं, वो छात्र फटाफट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय यानी बिहार यूनिवर्सिटी BRABU यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। आसानी से सेशन 2022-25 के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। चलिए आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में आपको समझाएंगे दोस्तों। यहां पर देखिए BRABU UG एडमिशन 2022-25 बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। अगर आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2022-25 के स्नातक कोर्सों में दाखिला से संबंधित सारी जानकारी हासिल करेंगे। इसमें नामांकन की प्रक्रिया, जरूरी डॉक्यूमेंट और योग्यता सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022-25 की पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मेरा पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्राइब करके। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहां पर सुनिए, आप लोगों को बताना चाहूंगा, नेम ऑफ आर्टिकल बिहार BRABU UG एडमिशन 2022-25। ठीक है, टाइप ऑफ आर्टिकल एडमिशन, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इंटर फाइनल करके ग्रेजुएशन BA BSc BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका नीचे मैसेज करके, मतलब कि नीचे मैसेज कर दीजिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, उसका भी हम नोटिफिकेशन यानी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, अंडर ग्रेजुएशन UG प्रोग्राम्स, यानी जो UG में एडमिशन स्नातक में लेना चाहते हैं उनको अंडर ग्रेजुएशन ही कहते हैं। इंटर के बाद UG ही एडमिशन, उसके बाद UG करने के बाद फिर PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर सुनिए, कोर्स होगा आपका BA BSc BCom। हु कैंट गेट एडमिशन, एवरी एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स कैंट अप्लाई। ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, ध्यान रखें, आप लोगों का आवेदन ऑनलाइन होगा, वैसिड ऑन मेरिट लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों का एडमिशन होगा। ठीक है, एडमिशन स्टार्ट फॉर्म 15 अप्रैल से एडमिशन का डेट जो है, एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म जो है आप लोगों का शुरू हो जाएगा, यानी आवेदन पहले होगा। ठीक है, आवेदन का डेट 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखें इस बात को, सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, बिहार यूनिवर्सिटी स्नातक कोर्सों में नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, इसकी शुरुआत 15 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 15 अप्रैल से 2022 से शुरू हो जाएगी। बिहार यूनिवर्सिटी को सभी कॉलेजों के द्वारा आधारभूत संरचना के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। पिछली बार की तरह इस बार भी छात्र छात्राएँ सीधे तौर पर अपने मनपसंद कोर्सों में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, बल्कि इसके लिए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसके आधार पर आप लोग जो है नामांकन लेंगे। मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आप लोगों का नामांकन होगा। ठीक है, पहले आप आवेदन करेंगे, उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद फिर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, आपको बता दें कि यदि आप अपने पसंदीदा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, ध्यान रखें, उसके बाद यहाँ पर सुनिए, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के तरफ से एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यह मेरिट लिस्ट आपके इंटर में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। ठीक है, अधिकतम 5 कॉलेजों का विकल्प आपको मिलेगा, यानी 5 कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। 5 कॉलेज में मतलब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 5 कॉलेज का विकल्प मिलेगा, 5 कॉलेज को आपको चूज करना होगा, जिनमें से किसी न किसी कॉलेज में आपका नाम जो है आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, आपको बता दें कि ऑनलाइन अप्लाई करने वक्त आपको अधिक से अधिक 5 कॉलेजों को चयन करने होंगे। ओके, आपको द्वारा चयन किए गए विकल्प के आधार पर ही आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, जिसके बाद आप उस कॉलेज में नामांकन ले सकते हैं। अब सुनिए, आपको बता दें कि BRABU UG एडमिशन 2022-25 के लिए 3 बार मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को जो है एक बार इंतजार कर लेना, अगर पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो दूसरा मेरिट लिस्ट में जरूर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा में भी नहीं आया तो तीसरा मेरिट लिस्ट में जरूर आ जाएगा। ओके, इस परिस्थिति में पिछले बार की तरह इस बार भी स्पॉट एडमिशन लिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। बता दें कि आपके द्वारा
चयन किए गए उन 5 कॉलेजों में सीट खाली रहने पर आपको स्पॉट एडमिशन का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। आप सुनिए, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स जानना जरूरी है, बिहार यूनिवर्सिटी में कुल सीटें कितनी होती है। यहाँ पर देखिए 1.55 यानी 1,55,000 सीटें जो है होती हैं। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, आप यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 12th में इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स जो है लाना जरूरी है मिनिमम। ठीक है, 45 यानी 45%। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। ओके, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट जान लीजिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आवेदन करने वक्त। यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए, आपका मार्कशीट लगेगा 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, सीनियर सेकेंडरी 10th सर्टिफिकेट लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, उसके बाद स्कूल कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो आईडी प्रूफ फॉर एन ट्रेनिंग नंबर, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पेन कार्ड, यानी आपका जो है आधार कार्ड दे सकते हैं उसकी जगह पर, या तो वोटर आईडी कार्ड या तो पेन कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, ठीक है, पेन कार्ड भी सभी के पास होगा। अब देखिए, आपका 3.5x4.5 सेंटीमीटर में आपका फोटो होना चाहिए, स्कैनिंग करके आपको अपलोड करना होगा। ये सब आपको छोड़ देना है, ये सब आपको जो है साइबर कैफ दुकान वाले जो है कर देंगे। ठीक है, मात्र 30 से 40 रुपए लेंगे, आवेदन कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देंगे, उनको बस सिर्फ आपको ले जाकर डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद आपका जो है सिग्नेचर लगेगा जो 2 MB का होना चाहिए कम से कम। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है, जो आपका ईमेल आईडी चलता हो आपके नाम से। चलिए, ये सब जानकारी मैंने आपको दे दिया। वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर न्यू यूजर है सब्सक्राइब करें, आने वाली सभी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।